नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के अहम खबरों के साथ। रोहतक में प्रदेश स्तरीय बीजेपी की संगठनात्मक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने की। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि पार्टी के संगठनात्मक बैठक के दो प्रमुख मुख्य उद्देश्य थे। पहला, प्रदेश भर के बीजेपी मोर्चे और प्रकोष्ठों के जनता में जाने के आगामी कार्यक्रम तय करना, और दूसरा अमृत महोत्सव, जिसके तहत आजादी के 75 साल पूरे होने पर हमने तिरंगा यात्रा निकाली थी। इसके अलावा उन्होंने डाडम माइनिंग हादसे पर कहा कि यह बहुत ही दुखद हादसा है, जिसकी निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए। ऐसे स्टेट हेड्स की एक तरह से मीटिंग है, हर विभाग, हर प्रकोष्ठ, हर मोर्चे की। और इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो है, दो उद्देश्यों पर ये हो रही है। एक उद्देश्य है आगामी योजना, एक पूरे समय का रोड मैप तैयार करना कि आने वाले समय में हर प्रकोष्ठ ने, हर मोर्चे ने, हर विभाग ने कहाँ तक अपने काम को पहुंचाना है। उसके साथ साथ दूसरा टारगेट है अमृत महोत्सव का, क्योंकि ये आज़ादी का 75वां साल है, बहुत महत्वपूर्ण साल है। तिरंगा यात्रा से शुरू किए थे और हमारे 129 लोग जाकर आए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपने कार्यालय में कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। वहीं उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में हेली हब बनाया जाएगा, जहां पर हेलीकॉप्टरों के लिए हेलीपोर्ट से लेकर उनके हैंगर रिपेयर समेत अनेक एविएशन फैसिलिटी उपलब्ध होगी। साथ ही बताया कि यह हेली हब देश में अपनी तरह का ऐसा पहला हब होगा, जहां पर हेलीकॉप्टरों के लिए एक ही स्थान पर उक्त सारी सुविधाएं होंगी। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने यह भी बताया कि गुरुग्राम में जो स्थान पर हेली हब बनाया जाएगा, वहां से मेट्रो की सुविधा भी नजदीक होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उक्त प्रस्तावित हेली हब को लेकर प्रोजेक्ट तैयार करें और जमीन लेने के साथ साथ अन्य सुविधाओं को शुरू करने में आने वाली अड़चनों को दूर कर कार्य शुरू करें। और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने वैक्सीनेशन अभियान को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 15 से 18 साल के किशोरों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसको लेकर बच्चों और उनके अभिभावकों में काफी उत्साह है। अभिभावक अपने बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए लेकर आ रहे हैं। वहीं अनिल विज ने यह भी बताया कि अभी तक 96,000 बच्चों का टीकाकरण हो चुका है। बहुत उत्साह है बच्चों में और पेरेंट्स में भी, वो बच्चों को लेकर आ रहे हैं और कल 55,000 को हुई थी वैक्सीनेशन और आज अभी तक के जो आंकड़े हैं 96,000 बच्चों को अभी तक लग चुकी है। अभी शाम तक पूरे आंकड़े आ जाएंगे। और अम्बाला स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों में जाकर 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन किया। बच्चों में भी वैक्सीनेशन को लेकर काफी उत्साह दिखा। वैक्सीनेशन को लेकर स्कूल प्रशासन भी स्वास्थ्य विभाग का सहयोग कर रहा है, तो वहीं स्कूल प्रिंसिपल ने बताया कि बच्चे ही नहीं, उनके अभिभावकों में भी वैक्सीनेशन को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। वैसे अम्बाला में आज कई स्कूलों में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो रहा है 15 साल से 18 साल के बीच के बच्चों के लिए। ये 9वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं स्कूलों में, विभिन्न स्कूलों में, जैसे आज सीजीएम में और लॉर्ड महावीर जैन में, आर एन कपूर डीएवी में और सीजीएम में, इनमें स्कूलों में इम्यूनाइजेशन चल रहा है। देखिए, कोविड जिस हिसाब से बढ़ रहा है और जैसे मामले आ रहे हैं, उसमें तीन चीज़ें बहुत जरूरी है। पहला इम्यूनाइजेशन, दूसरा सैनिटरी कंडीशन कि भाई कैसे आप अपने आप को साफ सुथरा रखें, और तीसरा जब भी कोई लक्षण आए, प्राइमरी लक्षण आते ही आप।
और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने पाबंदियां लगाई है, जिसके चलते शाम 5 बजे के बाद दुकानों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं अंबाला एसडीएम हितेश कुमार ने लोगों को साफ तौर पर यह समझाने की कोशिश की है कि शाम 5 बजे के बाद क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों वैक्सीन नहीं लगाई उनको कहीं पर भी रोजगार नहीं मिलेगा, और साथ ही अगर कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है जिसने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई उसको चालान भी भरना पड़ेगा। अम्बाला में केसेस बहुत रैपिडली बढ़ रहे हैं, तो ये हाई अलर्ट डिस्ट्रिक्ट्स में है, ग्रुप ए कैटेगरी में। तो यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो शाम को 5 बजे तक जो नॉर्मल दुकान है और मार्केट में बंद हो जाएंगे, एंड जो एसेंशियल वाली चीज़ें हैं जैसे हॉस्पिटल्स हो गए और आपके बार वाली चीज़ें होंगी, ये आपको रात को 11 बजे के बाद बंद हो जाएंगी। एंड कोई भी पब्लिक प्लेसेस पे अगर बिना मास्क के और विदाउट दोनों डोज के वैक्सीनेशन के मिलता है तो उस पर चालान होगा। एंड अगर किसी ने फर्स्ट डोज लिया हुआ है और सेकेंड डोज अगर उसकी ड्यू है तो वो अलाउ होगा विद फर्स्ट डोज सर्टिफिकेट, लेकिन अगर सेकेंड डोज की डेट अगर निकल गई और नहीं लगवाया तो उनको चालान देना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशनल कोई भी जैसे रेस्टोरेंट हो गए या फिर कोई भी दुकान हो गई, उन्होंने अपने एम्प्लॉय रखे हुए और उन वो विदाउट वैक्सीनेशन मिलते हैं तो उनको 5,000 रुपये का चालान मिलेगा। तो अभी सेकेंड डोज के बिना ना तो आपको कोई भी सर्विस मिलेगी ना पब्लिक प्लेस। और खबर फरीदाबाद से है, जहां प्रशासन के आदेश के बावजूद भी ठेके देर रात खुले रहे। पुलिस की नाक के नीचे फरीदाबाद के लगभग सभी ठेके देर रात तक खुले नजर आए, या यूं कहें कि शराब ठेका संचालकों ने सरकार के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई है। इतना ही नहीं, मीडिया के कैमरों के चलने के बाद भी शराब ठेका संचालक बिना किसी कानूनी खौफ के शराब बेचते दिखाई दिए। वहीं नीलम चौक के शराब ठेका संचालक ने अपनी बात रखते हुए बताया कि लोग शाम 5 बजे के बाद शराब लेने आते हैं और आम आदमी भी शाम 5 बजे के बाद ही शराब पीता है, इसलिए सरकार को शराब के ठेके को अगर बंद करवाना है तो सुबह भले बंद करवा दे लेकिन शाम 5 बजे के बाद खोलने के आदेश जारी करें। शराब खरीदने आएगा 5 बजे, आप सब भाई शराब पीते हो 5 बजे से पहले, कौन शराब खरीदता है और कौन पीता है शराब को? 5 बजे तक तो सबके वर्क फ्रॉम होम चल रहे, ऑफिस की छुट्टी नहीं हुई है, कस्टमर उसके बाद मजबूरन क्या बूट लेकर से शराब लेता है, महंगी शराब लेता है 5 बजे के बाद। कस्टमर यहाँ पे कल 10 बजे तक शटर पे लाते मार रहे शराब के लिए, शराब के लिए जिसको पीनी है। इतनी शराब से प्रॉब्लम है तो यार इसको बिहार की तरह बंद कर दो शराब को, अगर इतनी गैर कानूनी चीज है तो। पीने की चीज है और रात को पीने की चीज है, शराब के ठेके तो 5 बजे से 10 बजे तक खोल दो, दिन में क्यों खोले? अब 6 बजे हमारी छुट्टी होती है, ड्यूटी से घर जाएंगे, पहले हाथ मुंह धोएंगे, बंदा फिर जाएगा ना ठेके पे कि पहले सुबह ही आ जाएंगे यहाँ पे। 8 बजे सुबह ड्यूटी पे जाना, जिसने वो सुबह कैसे जल्दी आएगा बताओ? 6 बजे के बाद ही जाएगा, 7 बजे के बाद ही आएगा। सरकार 5 बजे बंद हो जाते हैं उसके बाद क्या करेगा बंदा? ब्लैक मिलेगा, वो ब्लैक मिलेगा तो नकली शराब आएगी हाथ में, नकली शराब पिएगा बंदा तो काम खराब होगा। तो ब्लैक मिल रही है क्या फायदा? हर जगह मिलती है, पहले कहाँ नहीं मिलती है, गली गली में मिलती है भाई साहब। अच्छा, के बीच ही मिल रही है। तो इस तरीके से क्या और ब्लैक मार्केटिंग नहीं बढ़ जाएगी 5 बजे तक? ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी, नकली शराब बढ़ेगी। और एक बार फिर हर खबर की खबर का असर देखने को मिला है। दरअसल सरकार ने आदेश जारी किए थे कि बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एंट्री नहीं दी जाएगी, लेकिन फतेहाबाद बस स्टैंड पर ना तो सवारियों के सर्टिफिकेट देखे जा रहे थे, ना ही सवारियों ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। हर खबर ने प्रमुखता से इस लापरवाही के मामले को उठाया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और कोविड नियमों को लेकर सख्ती बढ़ाई गई। खबर दिखाए जाने के बाद सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग की गई, साथ ही बसों में चढ़ने से पहले सवारियों के सर्टिफिकेट भी देखे गए। रही है बस अड्डे के ऊपर तो 27 से, तो सभी लोगों ने मास्क लगा रखे हैं, बस के अंदर भी चेक किया, तो चलान भी कर रहे हैं साहब, अभी मार्केट में भी चेक कर रहे हैं, मार्केट के अंदर भी सब लोग मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग भी रहे। और एक बार फिर से हर खबर की खबर का असर हुआ है। दरअसल हर खबर ने अपने कार्यक्रम रात का रिपोर्टर में जींद बस अड्डे पर रैन बसेरा ना होने की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया, जिसके बाद दो खराब पड़ी बसों को रैन बसेरे में तब्दील किया गया, साथ ही रात में ठंड से बचने के लिए 15 बिस्तरों की व्यवस्था भी की गई। रैन बसेरा की जो हमने बस लगा रखी है ना, वो तो हमने लगा रखी, जो गरीब तबका जो बाहर सब्जी जिसको नहीं वो हो पाता
सच्चाई तो ये है, हमने जैसे रेलवे स्टेशन के ऊपर लगा दिया, प्रशासन ने हमारे से डिमांड करी थी कि भाई दो, कम से कम दो बसें जींद के लिए दे दो, एक तो वहाँ अड्डे के ऊपर और एक वहाँ पुलिस रेलवे स्टेशन के ऊपर, ताकि जो गरीब आदमी जिसके छत नहीं है वो आगे उसमें गुजारा कर सके। रोहतक में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर अशोक तंवर ने माथुराम कम्युनिटी सेंटर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें निर्णय लिया गया कि अब तृणमूल कांग्रेस पार्टी अगले 4-5 महीने प्रदेश में लगातार कार्यक्रम करेगी और विपक्ष की भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 10 सालों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था और अब भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए अब प्रदेश में तृणमूल कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि 14 जनवरी से हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव जाकर लोगों को सरकार और विपक्ष की कारगुजारी के बारे में बताया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस का हरियाणा का ये हमारा 9 वर्ष का सम्मेलन है और 1 तारीख को भी हमारा तृणमूल का स्थापना दिवस था, या 9 वर्ष की बधाई है। कल ममता दीदी का जन्मदिन भी है और साथ में अगले 4-5 महीने की क्या तृणमूल कांग्रेस के कार्यक्रम होंगे, किस तरीके से हमें सदस्यता अभियान वो बढ़ाना है। हरियाणा के गांव-गांव, हर शहर, हर व्यक्ति तक तृणमूल कांग्रेस क्या करना चाहती है इस मुल्क के लिए, कैसे मुल्क को बचाना चाहती है, कैसे भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देगी देश के अंदर, जिस तरीके से बंगाल में तीसरी बार ममता दीदी ने शिकस्त दी, तो उन्हीं सबके प्रोग्राम। और हरियाणा की जींद में दलितों का कथित सामाजिक बहिष्कार का मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। आज जींद की कई खापों ने दलित समाज के लोगों को साथ लेकर प्रदर्शन किया और लघु सचिवालय तक रोष मार्च निकाला। खाप नेताओं का कहना है कि खापड़ और छातर दोनों गांव में शांति है और सभी धर्मों और समुदाय के लोग मिलकर एक साथ रह रहे हैं। कुछ असामाजिक लोग समाज को तोड़ना चाहते हैं। आपको बता दें, पिछले 77 दिनों से कार्रवाई की मांग को लेकर दलित समुदाय उच्च जाति के लोगों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। हमारा जो छत्तीस जात का भाईचारा है, सभी धर्मों का भाईचारा है, उसको तोड़ना चाहते थे। तो अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए, या मैं कहूंगा कि ओछे हथकंडे अपनाते हुए हमारे भाईचारे के बीच में दरार पैदा करने चाहते थे। तो ये मैं कहूंगा थुआ तपा ने बहुत अच्छी शुरुआत की है हमारे भाईचारे को बढ़ाने के लिए। छत्तीस जात का भाईचारा एक हो, इसलिए आज छत्तीस जात के लोग पूरे थुए तपे से भी और जितने भी जींद की खाप चाहते वहां से भी सरव जातीय सरव खाप चाहते यहां पर आई हुई है छत्तीस जात के भाईचारे को एक करने के लिए। और सिरसा में बस स्टैंड प्रशासन ने बस स्टैंड के बाहर अतिक्रमण कर रहे रेहड़ी चालकों की रेडियो को हटवाया। संस्थान प्रबंधक रतनलाल नुया के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई। बता दें कि बस स्टैंड सिरसा के बाहर बसों के आने जाने पर रेडियां लग जाती है, जिसकी वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है। इसको लेकर उच्च अधिकारियों को शिकायतें भी हुई थी, जिसको लेकर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाया गया है। अतिक्रमण का ऐसे है जी, दोनों जो अपने इन और आउट गेट है ना, इसके ऊपर इनका जमावड़ा रहता है। बार बार इनको समझाते हैं भी यहाँ नहीं लगानी रेडी, लेकिन फिर भी ये यहाँ लगा देते हैं। इसकी वजह दुर्घटना का वो रहता है। हमारे जीएम साहब ने भी आदेश करे भी इनको हटाना है जी, तो हम कल से लग रहे हैं और आज इनको यहाँ से हमने हटवा दिया जी, और आगे भी ये कार्रवाई चलती रहेगी। इनको यहाँ रेडियाँ वगैरह भी अपने बस स्टैंड का जो दायरा है इसमें नहीं रुकने देंगे। और महेंद्रगढ़ में बार एसोसिएशन के नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाने के लिए समारोह का आयोजन किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं इस समारोह की अध्यक्षता पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने की। इस समारोह में बार एसोसिएशन महेंद्रगढ़ के चुनाव में चुने गए बंसीलाल यादव प्रधान, बबलू प्रजापत उप प्रधान, सचिव अजय नेहरा, उप सचिव विनय कुमार और
खजांची सतीश टागर को शपथ दिलाई गई। इस दौरान ओम प्रकाश यादव ने वकीलों से आह्वान किया कि वो जरूरतमंद व्यक्ति को न्याय दिलाने में अपना योगदान दें। वहीं इस मौके पर रामविलास शर्मा ने कहा कि मेरे परिवार के 5 सदस्य इस बार एसोसिएशन के मेंबर हैं और मैं हमेशा इस बार एसोसिएशन की अच्छा ही सोचता हूं। प्रतिनिधिगण की नवनिर्वाचित बार मेंबर्स को शपथ दिलाने का कार्यक्रम था और इस अवसर पर मुझे भी आने का मौका मिला। बार के सदस्यों ने जो स्वागत किया मैं उनका धन्यवाद करता हूं और उनकी अनेक मांगे थी उनको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और बाहर से आकर भारत में रह रहे हिंदू परिवारों को भारतीय नागरिकता दी जा रही है। अगस्त से अब तक फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र यादव ने 30 से ज्यादा लोगों को भारतीय नागरिकता दी है। भारतीय नागरिक बनने के बाद खुशी जाहिर करते हुए लोगों का कहना है कि भारत स्वतंत्र देश है और यहां की नागरिकता मिलना उनके लिए एक सपने जैसा है। डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में नागरिकता का सर्टिफिकेट लेने पहुंचे दानिश का कहना है कि मुस्लिम कंट्री होने के चलते वहां हालात बेहद खराब है, इसलिए उन्हें भारत आना पड़ा। दानिश का कहना है कि भारतीय नागरिकता मिलना उनके लिए बेहद खुशी की बात है। अगस्त में मेरे ज्वाइन करने के बाद लगभग हमने 30 से 35 सर्टिफिकेट जो नागरिकता के सर्टिफिकेट लोगों को दे चुके हैं। तो इसमें जो भी अफगान से रिटर्न है या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या जो भी होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस है उन गाइडलाइंस के तहत हमारा एक प्रोसीजर है, एक पोर्टल पे वो अप्लाई करते हैं। उसमें आईबी की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, हम कंसर्न्ड एसडीएम से भी रिपोर्ट लेके जब उसकी सारे कागज और जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद और यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर और अहम खबरों के साथ।